जय माता की, बोल माते दरबार की, जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक लहंगे की वीडियो शेयर करी थी जो मैंने माता रानी के लिए बनाई थी। तो आज हमें माता रानी के मंदिर में आने का बहुत सौभाग्य मिला। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि हम माता रानी के मंदिर में सकुशल पहुँचे। और ये मंदिर खादराबाद में जाके पड़ता है। खादराबाद में यूपी के अंदर है, गांव संबल उसी के पास में ये मंदिर है। और ये मंदिर की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मंदिर के आसपास की दुकानें हैं जो कि अभी सुबह सुबह का, बहुत सुबह 4 बजे हम पहुँच गए थे, तो ये उसके थोड़ी देर बाद का समय है। बहुत सारी दुकानें नहीं खुली हुई थी, पर हाँ कुछ दुकानें थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आषाढ़ के महीने में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। और अब की बार ये अच्छा रहा कि जिस समय हम पहुँचे तो उस समय मेला नहीं था, तो हमें माता रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। कह सकते हैं आपके बहुत खुले खुले दर्शन माता रानी ने दिए। बहुत ही आनंद आया माता रानी के दर्शन करके, उनकी पूजा करके। और ये एक हवन कुंड है जिसमें कि माता रानी के लिए जो भी हवन सामग्री हम ले जाते हैं, गोला है, नारियल है, उसमें हवन सामग्री रख के यहाँ पर चढ़ाई जाती है। जो प्रसाद हम ले कर जाते हैं वो प्रसाद भी इसी हवन कुंड के अंदर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि इस हवन कुंड में प्रसाद चढ़ाने के बाद सीधा माता रानी के पास तक पहुंचता है। तो ये हम सभी ने, जो हमारे परिवार के सदस्य गए थे, मेरी बहनें गई थी, भाई गए थे, भाभी गई थी, और भी पारिवारिक लोग थे, तो सभी ने वहाँ फल फूल प्रसाद माता को चढ़ाया। माता रानी का इतिहास तो बहुत पुराना है, ये मंदिर बहुत पुराना है। ये मंदिर मेरे पापा के गांव है वहाँ पड़ता है। और ये माता रानी, काली माता, मेरे पापा की कुल देवी है, तो उन्हीं के मंदिर हम गए थे। इससे थोड़ी दूर जाके हमारा गांव भी पड़ता है, वहाँ भी मैं गई थी, तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। माता रानी के मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुनाऊँगी। बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल तलका माई की जय। बोल पावन गोपी की जय। आहवान विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना, कर्म कांड भक्ति के मंत्र क्या है ये पहचानू ना। मैं अपराधों सहित भवानी शरण तुम्हारी आई हूँ, अज्ञानी बालिका को बख्शो दाती तेरी जाई हूँ। प्रकट गुप्त जो अवगुण हो गए उन पर ध्यान न धरना माँ, भक्ति पूजा करे तुम्हारी आशा पूर्ण करना माँ। बोल साचे दरबार की जय। इस मंदिर में दो मूर्तियां स्थापित हैं। एक मूर्ति अंदर माता के मंदिर के अंदर है और एक मूर्ति बाहर पीपल का पेड़ है वहां पर स्थित है। पीपल के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि माता रानी हांडी के रूप में आई थी और वही हांडी इस पीपल के पेड़ पे उतरी थी, तो इसलिए एक मूर्ति यहां बाहर भी स्थापित की गई है।
जब मैं यहाँ बहुत साल पहले गई थी, तो जब मैं गई थी तब माता रानी की यहाँ पर दूसरी मूर्ति थी, मैंने उसी के हिसाब से माता रानी का लहंगा बनाया था। और जब मैं आपकी बार गई तो यहाँ पे दूसरी मूर्ति स्थापित थी जो कि पहले वाली मूर्ति की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी थी। तो हमने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, हम तो बहुत सालों से यहाँ पर आते हैं, अपने पिताजी के साथ भी यहाँ आते थे। तो उन्होंने कहा कि और अब तो हमें ये मूर्ति दूसरी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि जो पहले वाली मूर्ति थी वो खंडित हो गई है। तो हमने पूछा ऐसे कैसे खंडित हो गई? तो उन्होंने कहा इसका भी कारण होता है कि जैसे लोग की जो वाइब्रेशन होती है लोगों की, वो मूर्ति तक पहुंचती है तो उससे भी मूर्ति खंडित हो जाती है। और ये बात हमें पहली बार पता चली है कि जब हम माता को छूते हैं, तिलक लगाते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं तो हमारी वाइब्रेशन उन तक पहुँचती है, उससे वो खंडित हो जाती है। तो अब यहाँ पर एक नई मूर्ति स्थापित की गई है जो कि बहुत ही सुंदर है। और मैं जो लहंगा लेके गई थी, पंडित जी ने वो माता रानी को पहनाया वो लहंगा, और अच्छे से तो नहीं पहना पाए क्योंकि उन्होंने पहले से वस्त्र पहन रखे थे, पहले से उन्होंने पोशाक पहन रखी थी। और ये देखिए माता रानी को जो मैं लहंगा लेके गई थी पीले रंग का, वो ये है। उन्होंने कहा कि अब जब हम इनकी वाली पोशाक बदलेंगे तब आपका ये जो भी आप लेकर आए हो ड्रेस, ये अच्छे से हम इन्हें पहनाएंगे। और मुझे आशा है कि माता रानी को ये लहंगा बहुत पसंद आएगा और उनको जो है ये पूरा भी आएगा। वैसे तो ये पिछली मूर्ति के हिसाब से बनाया गया था लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा ही बनाया था। अब जब पहनाएंगे पंडित जी जब पता चलेगा, वैसे तो मेरे हिसाब से ये आ जाना चाहिए। माता तेरी सदा ही जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल कालका माई की जय, बोल खादराबाद की जय। जो भी हम अपने घर से श्रृंगार का सामान माता रानी के लिए लेके गए थे, तो वो मैंने माता रानी को वो श्रृंगार का सामान भी सारा चढ़ाया, बल्कि ये कहें कि मैंने उनको सभी सामान लगाया, उनके बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, मेहंदी लगाई, जितना भी सामान हम ले गए थे वो सब उनको अच्छे से अर्पण किया। जो भोग प्रसाद हम ले गए थे वो भी उनको अर्पण किया। ये पहली बार ही था कि हमें इतना आराम से दर्शन हुए और हमने उनको सभी चीज़ें पहनाई लगाई। और हम नहीं तो ऐसा होता है कि इतनी भीड़ होती है कि बस दर्शन करो और चलो 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 चलो, जो भी हम सामान लेके जाते हैं बस वो उनको उनके आगे रख देते हैं और हाथ जोड़ के बाहर आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि अरे हम तो इतनी दूर से आए और हमने माता रानी के दर्शन भी नहीं करे। लेकिन अब की बार हमें बहुत आनंद आया, अच्छे से दर्शन हुए। और ये मैंने माता रानी को सिंदूर भी लगाया, और उसके बाद जब उनका सारा श्रृंगार हो गया उसके बाद मैंने उनको शीशा भी दिखाया कि माता रानी देखो आप शीशे में कैसी लग रही हो। परिवार के हमारे परिवार के सभी सदस्य थे और सभी ने इनको माता रानी के लिए सभी कुछ ना कुछ लेके गए थे। कोई चुन्नी लेके गया था, कोई साड़ी लेके गया था, कोई और कपड़े लेके गया था, भोग प्रसाद भी सभी लोग लेके गए थे। तो सभी लोगों ने वो प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया। जय माता की। हम आए माता के मंदिर में दर्शन करके और ये है माता के मंदिर की गलियाँ। तो मंदिर आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और ये माता रानी के मंदिर की कुछ तस्वीरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।